हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक भारत का एक बहुत एंशिएंट इंडिया का बहुत एक जो है प्रसिद्ध शासन जो राजवंश रहा है, डायनेस्टी रही है, कुषाण वंश। और इसका जो है कल्चरली या फिर जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व है। और क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक और नोटिफिकेशन जारी करी है, HP सेट की जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। दोस्तों, HP सेट की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आपको पता है कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी, इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, PGT के एग्ज़ाम के भी जो है वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं अभी। तो प्लीज़ जो है आप सब जो है इन, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं पढ़ना है, तैयारियां सेम सेम रहेंगी। तो ये PGT स्पेशल सीरीज का दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, कुषाण वंश के को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जिसकी मास्टर डिग्री हो चुकी है उसको क्रोनोलॉजी अच्छे से पता होगी। अब उसको बस फैक्ट रिवीजन के तौर पर मुझे जो है ये चीज़ें करवानी है। ओके, तो लेट्स डिस्कस। कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, इतिहास क्या है और पतन के कारण क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। कुषाण वंश जो है ना, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुषाण वंश का इतिहास क्या था, इस सब की जानकारी जो है, उनके सिक्के, कुषाण वंश के पतन आदि प्रश्नों के जो है जवाब ढूंढने की कोशिश हम यहाँ करने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपकी इच्छा है, कर लीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो जब लगेगा तब कर लीजिएगा सब्सक्राइब। भोंगू GS फॉर UGC नेट हिस्ट्री सेट हिस्ट्री एंड PGT के लिए जो है आपको अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पे मिलेगा। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो ये संस्थापक थे आपके कुजुल कड़फिस जो है, ये इनके संस्थापक थे इस वंश के। कुषाण वंश भारत के प्राचीनतम राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण चीन के, ये क्वेश्चन पूछा गया था, UG मूल के लोगों से संबंधित था, कौन सा UG कबीला था, और जिन्होंने बाद में कुषाण संस्कृति को अपनाकर कुषाण वंश की स्थापना करी। कुषाण वंश के अधिकतर लोग चीन में स्थित कानूस नामक स्थान पर निवास किया करते थे। इससे आगे की जो है कुषाण वंश की स्थापना 15वीं ईस्वी में काबुल, कंधार, यवन, सिंध, पेशावर के राजाओं को पराजित करने के पश्चात हुई थी। कुषाण वंश का इतिहास क्या है, कुषाण ऐतिहासिक प्राथमिकता के आधार से ये माना जाता है कुषाण वंश का उदय चीन के पश्चिमी भूभाग से हुआ था। जो यूजी कबीला, जो जनजाति मैंने आपको बताई, उनसे उनका संबंध जो है वो माना जाता है। और युद्ध उनके पश्चात यू गानू जनजाति के लोग इली नदी के समीप आकर अपना जीवन यापन करने लगे, और बहसून जो है नामक कबीलों ने उनका दोबारा जो है सामना हुआ, परंतु बहसून समुदाय के लोगों ने उनसे हार का सामना करना पड़ा। अब जो है इसके बाद हम लोग सीधे देखते हैं कुषाण वंश के बारे में जानकारी क्या है। तो यूजी जाति की एक शाखा थी जिसने अन्य 4 UG राज्यों को हराकर जो है अपना साम्राज्य कायम किया था। मुख्य इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और कुजुल कड़फिस जो था वो राजा था जिसने 5 UG राज्यों को एकीकृत कर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया। माना जाता है कुजुल कड़फिस जो है उसका शासनकाल 1560 के मध्य था। इस दौरान कुजुल कड़फिस ने जो है अपने साम्राज्य में तांबे के सिक्के जारी किए थे। ध्यान दीजिएगा, एक और आएंगे भीम कड़फिस द्वितीय, उन्होंने जो है वो कोई और सिक्के जारी किए हैं, तो इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए, स्वयं को महाराज की उपाधि दी। 60 ईसा पूर्व में कुजुल कड़फिस की मृत्यु के पश्चात भीम कड़फिस वाइसराय आते हैं और जो है राज्य का संभालते हैं भार। उसके पश्चात क्या होता है कि उनके जो भीम कड़फिस जो है उन्होंने जो है सोने के भी सिक्के जारी करे थे, इस चीज़ की जो है वो आपको जानकारी हो। भीम कड़फिस ने अपने कार्यकाल में कुषाण वंश को भारत के पंजाब, कश्मीर, मथुरा एवं तक्षशिला जैसे राज्यों में फैला दिया था। भीम कड़फिस जो है कुषाण वंश के पहले ऐसे शासक थे जो भारतीय संस्कृति में अपनी रुचि रखते थे, परंतु भीम कड़फिस का शासनकाल 18 वर्षों तक ही रहा। इस दौरान उन्होंने महेश्वर, महाराजीदाराज और महाराजा एवं, ये उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है, महेश्वर, राजाधिराज और महाराजा एवं सर्वलोकेश्वर जैसी उपाधियां हासिल करी थी। सम्राट कनिष्क कुषाण वंश के तीसरे कुशल शासक हुए थे।
एवं बिमकडफिस के पुत्र थे। बिमकडफिस ने सोने के सिक्के चलाए थे, फिर एक बार याद दिला दूं, और इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। सातवीं शताब्दी के अंदर जो 78वीं शताब्दी के अंदर जो है कुषाण साम्राज्य को संभाला था किसने? कनिष्क ने। इसने क्या क्या काम किया है? मुख्य रूप से हम इसको जानते हैं, इन्होंने जो है वो कश्मीर के अंदर क्या की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान एवं आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया तथा मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या पूछेंगे हमें भी नहीं पता होता है। सम्राट कनिष्क को एकमात्र ऐसा राजा माना जाता है जिनकी तुलना सम्राट अशोक से की जाती है। सम्राट कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक सुंदर जो है नगर का निर्माण किया एवं वहाँ कई प्रकार के स्तूपों का भी निर्माण करवाया। सम्राट कनिष्क ने कई देशों में युद्ध करके चीन पर अपनी विजय का कायम की और चीन की विस्तारवादी नीति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। साथ ही सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया जिसके कारण बौद्ध धर्म को संसार में एक नई पहचान मिली। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके जो है उसका बहुत सारा जो है वो प्रचार करवाया था। सम्राट कनिष्क ने संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में जो है वो अपनाया था। किसने? सम्राट कनिष्क ने। कौन से कबीले से था? यूची कबीले से। यूची कबीले कहाँ का था? चीन का था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अधिकतर ग्रंथों को संस्कृत भाषा में दोबारा लिखवाया। सम्राट कनिष्क ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम मथुरा में भगवान बुद्ध की मूर्ति का भव्य निर्माण कराया और सम्राट कनिष्क की मृत्यु पेशावर के अंदर जो है 151 ईस्वी के अंदर हो जाती है। अब हमें देखना कुषाण वंश का साहित्य और कला में क्या योगदान है। तो कुषाण वंश का साहित्य एवं कला में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान में हमें मुख्य तौर पर क्या देखना होता है कि कुषाण वंश के साम्राज्य में कई प्रसिद्ध विद्वान जैसे नागार्जुन, अश्व घोष, बसुमित्र निवास करते थे। इन बड़े बड़े विद्वानों ने कुषाण वंश के शासनकाल में इतिहास के सबसे प्रचलित चर्क संहिता की रचना की जो आयुर्वेद के संबंध में बेहद विशिष्ट जानकारी हमें मानी जाती है। हमारे यहाँ कुषाण वंश के जो सिक्के थे उन्होंने जो है वो कौन कौन से सिक्के चलाए तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मैंने कहा था कुजुल कडफिस ने जो तांबे के सिक्के चलाए थे और यूनानी राजा हर्मियस दूसरी तरफ कुजुल कडफिस की आकृति बनाई गई थी, तो ये आकृतियाँ भी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से प्रश्न आता है सोने एवं तांबे के सिक्के। बिम कडफिस ने अपने राज्य में सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए जो यूनानी लिपि एवं खरोष्टी लिपि में हुआ करते थे। लिपि महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा बिम कडफिस ने अपने शासन काल में त्रिशूल, शिव, बैल की आकृति वाले सिक्कों को भी जारी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है और बन सकता है आगे भी। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जो रुचि थी भारतीय संस्कृति के अंदर वो गहरी थी। कुषाण वंश के पतन के क्या कारण हैं? तो कुषाण वंश के जो पतन के कारण हैं उनमें मुख्य तौर पर कनिष्क की मृत्यु हो जाती है और जो है शासन प्रणाली पूर्णतः सैन्य व्यवस्था पर निर्भर हो गई जिसके परिणामस्वरूप कुषाण वंश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकी। इसके अलावा क्या है, कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश के शासकों ने छोटे 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 मोटे राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया जिसके कारण कुषाण वंश का साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो गया। इसने जो है आगे चलकर इसके पतन का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया था। और इसी के साथ जो है हमें पता है कि उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर के अंदर जो है वो आयोजन किया था। वो महायान शाखा को बिलोंग करते थे कनिष्क। तो इसका जो है वो हम यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि जितना महत्वपूर्ण पार्ट था हमने डिस्कस किया। और जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ जो है वो बैठ गई है। अब आप अपना होमवर्क जो है वो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, कोई क्रिकेटर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, सबको अपने हिस्से का होमवर्क करना पड़ता है। हमारे जो है वो पूर्वज बोला करते थे कि बेटा बिना मरे ना स्वर्ग नहीं मिलता है। सही बात है, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते हैं, खुद अपने लिए जो है वो टारगेट सेट नहीं करते हैं, तब तक पूरी की पूरी संभावना होती है कि हम फेल हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।